आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, दूसरा हम क्या देखेंगे कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है, तीसरा हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मेनली तीन टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। और तो सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अब रेजोनेंस किस में पाया जाएगा इसके बारे में बताते हैं। तो पाई बांड, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बांड, पाई बांड का शिफ्टिंग होता है, जहाँ जहाँ पाई बांड का शिफ्टिंग होता है वहाँ क्या होता है, हमारा रेजोनेंस पाया जाता है। अब पाई बांड कहाँ पाया जाता है तो इसको समझना है, डबल बांड या ट्रिपल बांड जहाँ प्रेजेंट रहेगा वहाँ पाई बांड पाया जाएगा। मतलब क्या होता है, लगातार हमारा पाई बांड घूमते रहता है, उसी में हमको क्या होगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। मेनली हम रेजोनेंस की बात करें तो बेंजीन में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, पाई बांड जहां प्रेजेंट होगा वहां रेजोनेंस हमको देखने को मिलेगा। पाई बांड जहां प्रेजेंट होगा वहां हमको क्या होगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा। पाई बांड का शिफ्टिंग बोल सकते हो, पाई बांड, पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग जहां जहां होगा वहां रेजोनेंस देखने को मिलेगा। और पाई बांड कहाँ पाया जाएगा, अब पाई बांड या पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, तो जहां डबल बांड या ट्रिपल बांड रहेगा वहां आपको पाई बांड देखने को मिल जाएगा। अब इसमें डबल बांड रहेगा उसमें पाई कौन सा रहेगा, ऊपर वाला रहेगा पाई, नीचे वाला रहेगा सिग्मा। याद रखिएगा, अगर डबल बांड है एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बांड है दो पाई हो जाएगा, ये पाई और ये हमारा सिग्मा, इसको आपको याद रखना। जहां डबल बांड ट्रिपल बांड रहेगा वहां हमको पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, इसको याद रखना है। तो और हम जरली किस में देखते हैं रेजोनेंस, रेजोनेंस हमारा होता है बेंजीन में ज़्यादा देखने को मिलता है। रेजोनेंस किस में देखने को ज़्यादा मिलता है, तो रेजोनेंस हमको बेंजीन में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। बेंजीन में, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, याद रखिएगा C6H6। अगर इसका फार्मूला स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कैसा रहता है, ये ठीक है, ये बेंजीन का एक वर्ड आया है इसलिए मैं आपको बेंजीन बता दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन, इसमें रेजोनेंस देखने को ज़्यादा मिलता है। अच्छा बेंजीन, अब इसको किसने, इसका स्ट्रक्चर को किसने सबसे पहला दिया था, तो इसको सबसे पहला दिया था केलकुले ने, ठीक है। केलकुले 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 ने क्या किया था, इसका स्ट्रक्चर दिया था, राइट। केलकुले ने क्या कहा था, केलकुले ने बताया था कि बेंजीन में इसका डबल बॉन्ड का पोजीशन अल्टरनेटिव पोजीशन में रहता है, मतलब एक के बाद एक क्या रहता है, डबल बॉन्ड, देखो एक दो है। अब जरूरी नहीं है कि ये खाली है ये खाली है ये खाली है तो यहाँ नहीं आ सकता, ये हो सकता है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर अगर बना के देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर में देखिए ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट है, अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, रेजोनेंस कैसे पाया जाता है इसके बारे में, केलकुले ने क्या बताया था, केलकुले ने सबसे पहले क्या दिया था, बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था। इन्होंने क्या बताया था, पाई बांड या डबल बांड क्या होता है, अल्टरनेटिव पोजिशन में क्या रहता है, स्थित रहता है। मतलब ये क्या है, अल्टरनेटिव पोजिशन में है, यहाँ एक हमारा एक पोजिशन बन रहा है, दूसरा पोजिशन ये, क्योंकि हमारा बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे हमारा 3 बांड हो गया, 1 2 3 जगह हमारा खाली है। तो दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए ये 3 अपोजिट है, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर देखते हैं हम इसमें, अगर यहाँ देखो ये बेंजीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा और ये पाई यहाँ मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर देखते रहिए, ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ये बॉन्ड चला जाएगा देखिए ऊपर में, यहाँ आ गया। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा माइनस चार्ज लग जाएगा, इसको याद रखिएगा, ये बॉन्ड यही है। अब फिर से हम दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर ये यहाँ टेक करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ करता है और ये यहाँ चला जाता है, तब क्या होगा, ये यही है, ठीक है। अब ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज लग जाएगा, ये इस कार्बन में इस बार क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज लग जाएगा, ठीक। अब एक ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ मूव करेगा, तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ का स्ट्रक्चर मतलब क्या हो रहा है, हमारा रोटेट हो रहा है, पाई बांड रोटेट हो रहा है, इसको आपको याद रखना है। एक फाइनल स्ट्रक्चर होता है हमारा ये इस प्रकार, ठीक है। ये मेनली क्या है, फाइनली है, ये हमारा क्या है, अगर कोई आपसे बोल दिए कि आप बेंजीन का
स्ट्रक्चर बना के दिखाई करके, तो आप इसको बनाना, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बेंजीन बोलते हैं। याद रखिएगा इसको कैलकुलेट ने क्या बोला था, हाइब्रिड बेंजीन। याद रखिएगा इसको क्या बोला था, हाइब्रिड बेंजीन बोलते हैं, हाइब्रिड बेंजीन। ठीक, ये मेन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ये क्या है, इसको ये शो कर रहा है कि ये पाई बांड क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, लगातार रोटेट हो रहा है, उसका कोई भी एक पोजीशन फिक्स नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए बोला है अल्टरनेटिव में, एक पोजीशन में एक समय ऐसा आएगा कि एक बार में यहाँ रहेगा, एक बार में यहाँ, एक बार में यहाँ, फिर से जब रोटेट होगा तो ये बांड यहाँ क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। देखो यहाँ पे रेजोनेंस क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस बोलते हैं। अब ये देखो ये बार बार घूमता क्यों है, अगर सबके मन में आता है बार बार घूमता क्यों है, तो क्या करता है अपना स्टेबिलिटी के लिए, जितना ज्यादा घूमेगा उतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है, कोई भी आदमी एक ही पोजीशन में नहीं रह सकता है। ठीक है, मैं बोल दूं लगातार पढ़ते रहो तो लगातार आदमी पढ़ना मुश्किल है, उसको और कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा स्टेबिलिटी के लिए रहता है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो रहा है, ये लगातार इसलिए घूम रहा है ताकि उसको स्टेबिलिटी, ज़्यादा घूमेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरा हम देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है या किसमें किसमें पाया जाता है ना। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या बता दिया, एक बार और इसको देख लीजिए। देखो पाई बांड का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, इसको आपको याद रखना है। पाई बांड का शिफ्टिंग होता है, याद रखिएगा सरल भाषा में, पाई बांड का जहाँ जहाँ शिफ्टिंग होता है वहाँ हमको क्या मिलता है, रेजोनेंस मिलता है। और एक और आसान भाषा में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पाई बांड लगातार क्या रहता है, चक्कर लगाते रहता है या घूमते रहता है। अब पाई बांड कहाँ पाया जाता है, जिसमें डबल बांड या ट्रिपल बांड होगा। डबल बांड में एक हमारा क्या रहेगा, सिग्मा, दूसरा पाई। ट्रिपल बांड रहेगा उसमें दो पाई एक सिग्मा, याद रखिएगा दो पाई एक सिग्मा रहेगा, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो रेजोनेंस सबसे ज्यादा हम किस में देखते हैं, तो बेंजीन में देखते हैं। आप बचपन से 10वीं से देखते आ रहे हो कि रेजोनेंस मतलब, हम रेजोनेंस को भी बोल दिया था, हमको खट से याद आता है बेंजीन होगा। ठीक है, तो बेंजीन का एक वर्ड आया है, तो बेंजीन को सबसे पहले किसने खोजा था, तो इसका स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर किसने दिया था, केलकुले ने दिया था। इसका स्ट्रक्चर का बात करते हैं, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर केलकुले ने दिया था, और केलकुले ने बताया था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर में जो डबल बांड है अल्टरनेटिव पोजीशन में रहता है। याद रखिएगा अल्टरनेटिव पोजीशन में, तो एक पोजीशन ये हो गया, दूसरा पोजीशन ये हो गया, ये क्या होता है लगातार रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है। क्यों घूमता है, तो अपना स्टेबिलिटी के लिए घूमता है, अपना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए घूमता है। ठीक है, ये देखो ये पोजीशन एक है दूसरा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ रहा है, इसको रोटेट करना पड़ रहा है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ रहा है, रोटेट कर रहा है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पहुँच रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब रेजोनेंस किसमें किसमें पाया जाता है इसके बारे में आपको बता। देखो तो हम हमारा दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, रेजोनेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लिए हैं बेंजीन में, याद रखिएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ लोन पेयर और डबल बांड अल्टरनेटिव पोजीशन में पाया जाता है वहाँ भी हमारा रेजोनेंस होता है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर प्लस निगेटिव चार्ज, याद रखिएगा लोन पेयर प्लस निगेटिव चार्ज। चौथा क्या हो जाएगा, लोन पेयर प्लस पॉजिटिव चार्ज, और भी पाए जाते हैं, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, चार प्रकार से डील करेंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ज्यादा है। ठीक है, इसलिए मेनली चार टाइप से पढ़ेंगे, चारों टाइप को आपको क्रिस्टल क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमने बेंजीन में देख लिए हैं, एक बार और बता देते हैं ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, बेंजीन का देख रहे हैं, बेंजीन में रेजोनेंस देख रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसमें देखो बेंजीन का हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें तीन तो क्या है हमारा, पाई बांड है। इस पाई बांड का क्या करा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का हम क्या करा रहे हैं, शिफ्टिंग करा रहे हैं। जब शिफ्टिंग कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। दोनों बांड अभी एक सेम है, ठीक है, केवल एक में हम अभी अटैक करा रहे हैं। फिर याद रखिएगा देखो यहाँ का, जब यहाँ डालेंगे यहाँ से यहाँ इसमें अटैक करेगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इस कंडीशन में हमारा नया बनने वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, देखो यहाँ एक और दो, दो ठो केवल रहेगा, तीसरा हमारा क्या रहेगा, यहाँ माइनस में रहेगा। अब इसका टेक हम क्या कराते हैं, यहाँ कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, और इसका देखो यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ हमारा माइनस चार्ज हो जाएगा और बॉन्ड यहाँ से हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा देखो, जब हम क्या किए हैं, इसको यहाँ से हम इसमें अटैक कराए हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो गया। और फाइनल इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, ये क्या करता है, राउंड लगाते रहता है, हाइब्रिड क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन बोलते हैं। ये प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बेंजीन का रेजोनेंस हो गया। दूसरा हम क्या देखते हैं, लोन पेयर और डबल बांड में अल्टरनेटिव देखते हैं, अल्टरनेटिव हमारा डबल बांड और लोन पेयर होगा, उसमें हमारा रेजोनेंस भी पाया जाता है, देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो ये स्ट्रक्चर हमेशा चलते रहता है, एक बार में रुकता नहीं है, इसको हम फिर से अटैक करवाएंगे तो फिर यही आएगा,
मतलब ये हमारा एक साइकिल है, साइकिल की तरह हमारा चलते रहता है, इसको याद रखना है आपको। तो हम क्या देख रहे हैं, लोन पेयर और डबल बांड वाला, ठीक है, लोन पेयर डबल बांड। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर और क्या हो जाएगा हमारा डबल बांड, जिसमें लोन पेयर होगा और डबल बांड क्या किसमें होगा, अल्टरनेटिव पोजीशन में होगा, इसको याद रखिएगा। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं अपन, CH2 और डबल बांड CH और सिंगल बांड NH, अमोनिया ग्रुप, एमीन एमीन, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें हमारा क्या होता है, लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन होता है एक, है ना। अगर इसका इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, ये देखो पाई बांड यहाँ पे हमको मिल रहा है, पाई बांड का शिफ्टिंग कहाँ करा रहे हैं, यहाँ करा रहे हैं, राइट। और इसका शिफ्टिंग हम कहाँ करा रहे हैं, यहाँ करा रहे हैं। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, ये देखते रहो, ये CH2 हो जाएगा, राइट, CH2। अब इसमें क्या चार्ज लग जाएगा, माइनस चार्ज लग जाएगा, कौन सा बांड रहेगा, सिंगल बांड रहेगा, ये CH हो जाएगा, और इसमें डबल बांड हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो जो यहाँ पे लोन पेयर था, इसमें आके क्या कर लिया, डबल बांड बना लिया। फिर से मैं इसका यहाँ अटैक कराऊंगा, इसका यहाँ कराऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेटिव चलते रहेगा, एक बार में रिएक्शन होने के बाद कंप्लीट नहीं होता, ये चलते रहता है, ठीक है, ये रिएक्शन होने के बाद चलते रहता है। तीसरा हम क्या देख रहे हैं, लोन पेयर और निगेटिव चार्ज, याद रखिएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर और निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर निगेटिव चार्ज, उसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, एलाइल कार्बो एनायन, इसका फार्मूला क्या होता है, तो CH2 होता है, डबल बांड CH और हमारा सिंगल बांड CH2 हो जाएगा, याद रखिएगा CH2, ठीक। अब इसमें क्या क्या है, देखो इसमें हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको याद रखना है। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या कराना है, अपन को शिफ्टिंग कराना है, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कहाँ करा रहे हैं, यहाँ करा रहे हैं। लोन पेयर का हम क्या करा रहे हैं, यहाँ करा रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 जब यहाँ गया है तो हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस, और हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा और सिंगल बांड हो जाएगा, ये प्लस ये CH हो जाएगा और यहाँ डबल बांड हो जाएगा और CH2, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, निगेटिव, लोन पेयर प्लस निगेटिव, इसके लिए हमारा क्या हो रहा है, शो कर रहा है। फिर से इसको रिविजन कर रिवीट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, और इसको यहाँ करेंगे तो यहाँ, ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हमारा चलती रहेगा, ठीक है। ये लोन पेयर किस में देख लिए हम, लोन पेयर प्लस निगेटिव में। अब लास्ट हम देखते हैं लोन पेयर और पॉजिटिव, चौथा हम क्या देख लेते हैं, लोन पेयर और पॉजिटिव, ठीक है। तो हम हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एलाइल कार्बो केटायन हो जाएगा, लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, एलाइल कार्बो केटायन, ठीक। लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर प्लस पॉजिटिव अल्टरनेटिव पोजीशन में रहेगा। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एलाइल कार्बो केटायन, इसका परिभाषा हो जाएगा एग्जांपल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, CH2 डबल बांड CH सिंगल बांड CH2, और इसमें हमारा प्लस चार्ज, याद रखिएगा, पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा, ठीक। अगर इसका हम क्या कराते हैं, शिफ्टिंग कराते हैं, शिफ्टिंग कराते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस बार प्लस यहाँ आ जाएगा, याद रखिएगा, सिंगल बांड CH, यहाँ डबल बांड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। फिर अगर इसका रिवर्स देखते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा, ये अल्टरनेटिव क्या करते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट हो जाएगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट किसमें किसमें हमने देख लिया, बेंजीन में देख लिया, ठीक है, लोन पेयर प्लस डबल बांड ट्रिपल बांड अल्टरनेटिव में, फिर लोन पेयर प्लस निगेटिव चार्ज, लोन पेयर प्लस पॉजिटिव चार्ज, हो गया। ये हम इतने प्रकार में क्या देख लिए, हम रेजोनेंस देख लिए। तो सबसे आज क्या क्या पढ़ लिए हमने, परिभाषा देखी किसमें किसमें पाया जाता है, लोन पेयर इसमें देख लिए, इसका एग्जांपल देख लिए। परिभाषा आपको कंपलसरी आना चाहिए, बहुत आसान भाषा में आपको बताए हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।